200 kg shark fish recipe। गंगापुर कहकर एक गांव रहता था, वो समुन्द्र के बीच में रहता था। सब समुन्द्र के किनारे पर रहने वाले गांव जैसे ही गंगापुर के गांव में रहने वाले लोग ज्यादातर मछलियों को पकड़कर जी रहे थे। गंगापुर के मछुआरों का नायक का नाम था मछली राम। मछली राम बहुत अच्छा इंसान था। उधर का मछुआरों को कोई भी समस्या आने से उनका परिष्कार करता था। मछली राम को एक बेटी थी, उसका नाम था सितारा। वही गांव में बलदेव कहकर एक नौजवान रहता था। बलदेव भी मछलियां पकड़कर जी रहा था। बलदेव को पिता नहीं था। पिता बचपन में ही गुजरने के वजह से उसकी माँ बहुत मेहनत करके बलदेव को बड़ा किया। बलदेव को उनका माँ का बनाया मछली सब्जी बहुत पसंद था और ऐसे ही साहसिक काम करना भी बहुत पसंद था। उनका साथी मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समुन्द्र में थोड़ी ही दूर जाते थे, लेकिन बलदेव तो समुन्द्र के बहुत गहराई तक जाकर मछलियाँ पकड़ता था। बहुत सारे लोग बलदेव का साहसिक काम के लिए बहुत तारीफ करते थे और बहुत पसंद भी करते थे, लेकिन उसी गाँव में बलदेव से जलने वाले भी थे। उस गांव में मछली राम का रिश्तेदार नागू को बलदेव कहे तो बहुत गुस्सा था। लोगों में बलदेव के लिए जो आदर है वो देखकर नागू बहुत जलता था। मछली राम के बाद उनको ही उस इलाके का मछुआरों का नायक बनना है कहकर बहुत सपना देखता था नागू। इसलिए मछली राम की बेटी को शादी करने के लिए भी सोचता था। उसके लिए हमेशा मछली राम के पास घूमते हुए मछली राम को बहुत तारीफ करता था, लेकिन लोगों में तो बलदेव के लिए बहुत लोकप्रियता बढ़ने लगा। ऐसे ही चलेगा तो नागू को उस इलाके का प्रेसिडेंट बनना बहुत मुश्किल होगा, ऐसे समझने लगा। एक दिन बलदेव घर में खाने के लिए बैठकर माँ जल्दी से मछली का सब्जी डालो, मुझे जल्दी बाहर जाना है, कहा। तब माँ, तुम्हें ये मछली का सब्जी कहे तो क्यों इतना पसंद है, पूछी। तब बलदेव, पता नहीं है माँ, मेरे साथी वाले उनका घर में मछली का सब्जी पका कर लाते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे मछली का सब्जी कोई भी नहीं बना सकते है, समझो, कहा। ऐसे बलदेव खाना खाकर बाहर चला गया। एक बड़ा सा नाव में बैठा हुआ था बलदेव। उधर मछली राम का बेटी सितारा आई। तब सितारा बलदेव से, क्या सर आज बहुत अच्छे से तैयार होकर आए हो, पूछी। तब बलदेव, मेरी प्रेमिका से मिलना है तो इतना तो तैयार होकर आना है ना, कहा। तब सितारा, ऐसे अच्छे से तैयार होकर आना तो ठीक है, लेकिन मेरे पिताजी से हमारे शादी के बारे में बात करने के लिए तैयार रहना, नहीं तो वो बेवकूफ नागू के साथ मेरा शादी कराने के लिए सोच रहे हैं मेरे पिताजी, बोली। तब कुछ मछुआरे भागते हुए उधर आए। बलदेव अकेला ही उधर जाकर उनको क्या हुआ है पूछा। तब एक मछुआरा, बलदेव समुन्द्र में मत जाना, उधर एक बड़ा सा शार्क मछली है, वो हमारा एक नाव पर हमला किया है, लेकिन हमारा आदमी तो जान बचाकर बाहर निकले, कहा। तब वो शार्क मछली के डर से कोई भी मछुआरे समुन्द्र के अंदर नहीं जा रहे थे। ऐसे नहीं जाने के वजह से उनका जीना मुश्किल होने लगा। तब सारे मछुआरे मिलकर मछली राम के साथ बैठक किए। तब मछली राम, देखिए वो शार्क मछली हमको उधर मछलियाँ पकड़ने के लिए मुश्किल कर रही है, हमारे वालों के ऊपर हमला कर रही है, इसलिए थोड़े दिन वो शार्क मछली चले जाने तक हमें इंतजार करना होगा, कहा। तब एक मछुआरा, वो शार्क जाने तक इंतजार किया तो हमें भूखा मरना होगा मछली राम जी, ऐसा भूखे मरने से तो उस मछली के लिए आहार बनना बेहतर होगा, कहा। तब मछली राम, फिर तो क्या करेंगे बताइए, वो तो बड़ा सा मछली है, उसे हम मार सकते हैं क्या, मेरी जवानी में तो ऐसा मछलियों को मारा था, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा, हमारे गांव में उस मछली को मार कर ला सके कोई मर्द है क्या, पूछा। तब बलदेव, मैं ला सकता हूँ, कहा। तब मछली राम, क्या तुम उसे मारोगे, ऐसे जाकर उसे मारने के लिए, वो कोई छोटी मछली नहीं है, शार्क मछली है, चबा चबा कर निकल जाएगी तुम्हें, कहा। तब बलदेव, उस शार्क मछली को मैं मार कर लाता हूँ, इतना ही नहीं सबका भूख के लिए कारण हुआ उस मछली को ही पकाता हूँ और हमारे सारे गांव वालों को बांधता हूँ, कहा। तब मछली राम, ठीक है देखते हैं तुम कितना ताकतवर मर्द हो, कहा। ऐसे बलदेव उस मछली को पकड़ने के लिए समुन्द्र में निकल पड़ा। तभी वो शार्क मछली उधर आई। तब बलदेव समुन्द्र में कूद कर शार्क मछली को भला से घुसाया। तब वो शार्क मछली मर गई। तब बलदेव बाकी वालों को बुलाकर उस मछली को एक बड़ा सा नाव में चढ़ाकर उनका दोस्तों के मदद से उसे किनारे तक लेकर आया। उस शार्क का वजन देखा तो 200 किलो था। तब उनका माँ से कहकर सारे गांव वालों के लिए उस शार्क मछली का सब्जी बनाने के लिए कहा। ऐसे उसका माँ उस शार्क मछली को काट कर अच्छे से मसाला बनाकर उस मछली को लगाकर शार्क मछली सब्जी बनाई।
तब बलदेव सारे गांव वालों को बुलाकर खाना परोसा। भूख से तड़पने वाले सब पेट भर खाना खाए। मछली राम को भी उस शार्क मछली का सब्जी बहुत पसंद आया। बलदेव का साहसी काम के लिए प्रशंसा करके मछली राम बलदेव को उसका बेटी को देकर शादी करवाया। तब से सब लोग खुशी से जीने लगे।